हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो देखिए, आज की मेरी परचेज, ये मैंने ख़रीदा है एक पाइनएप्पल का केन और ये कोकोनट ख़रीदा है मैंने, क्योंकि मेरा बेटा रेगुलर अभी कोकोनट पी रहा है, नारियल का पानी डॉक्टर ने उसे बोला है। और साथ ही मैंने ख़रीदे हैं मखाने, तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट वाला ड्राई फ्रूट है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो इसको मैं क्या करती हूँ ना, रोस्ट करके रख लेती हूँ देसी घी में, बहुत हेल्दी हो जाता है। तो ये तो दिखा दिया, साथ ही मैं बना रही हूँ मक्खन ब्रेड वाले टोस्ट, इसको मैं क्रिस्पी क्रंची करके हम लोग आज चाय और बटर ब्रेड खाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मन कर रहा था मक्खन ब्रेड खाने का, तो मैंने कहा चलो आज हम यही खाते हैं। तो मक्खन ब्रेड बनाने के साथ साथ ही मुझे एक बहुत ज़रूरी काम भी करना है, वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बीच में आ जाता है, इस चक्कर में वो काम हो नहीं पा रहा था, बट आज फाइनली मैंने मूड बना लिया है, तो बस आज वो काम मैं ज़रूर निपटा लूँगी। और देखिए, यहाँ पे क्रिस्पी क्रंची से हमारे टोस्ट बनके तैयार हैं। और ये ना एथिकल कुकवेयर का तवा है, बहुत अच्छा तवा है गाइस, नॉनस्टिक चीप एंड बेस्ट है। और ये निरलॉन की कढ़ाई है, ये भी बहुत अच्छी है। इन दोनों के ना डिटेल रिव्यू की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग चेक कर लेना। तो ये जो मैं मखाने लेकर आई थी ना, इनको मैं देसी घी डाल के ना गाइस रोस्ट करके रख लेती हूँ, इसमें चाट मसाला या काला नमक डाल के, तो बहुत हेल्दी होते हैं ये खाने के लिए ना। आप लोग अपने डाइट में इसको ऐड कीजिए, सुबह या शाम जब भी आपका दिल करे थोड़ा बहुत, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा लेके खा सकते हैं। काफ़ी हेल्दी होते हैं, फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं, तो और भी बहुत सारे विटामिंस होते हैं इसके अंदर, तो आप लोग इसको अपने डाइट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो मैं इसको रोस्ट करके रख लेती हूँ, और जब भी हमें मतलब हल्का फुल्का चाय वाय के साथ हम इसको एज अ स्नैक ले लेते हैं, तो हेल्दी भी हो जाता है, थोड़ा पेट भी भर जाता है। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर मैं इनको ना एक एयरटाइट बॉक्स में करके रख लूँगी। और जी, ये है वो ज़रूरी काम जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा था। तो आज मेरा ना चूल्हा, आप लोगों को मैंने लास्ट ब्लॉग में कई बार बताया कि मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी चूल्हा देने का, क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा हुआ है। तो आज फाइनली मैंने कहा ये काम कर ही लूँ, क्योंकि ये गाइस बहुत मतलब किचन में चूल्हा ठीक नहीं होना तो सारे काम लेट ही होते रहते हैं, तो आज मैंने कहा चलो मैं दे ही दूँ। तो नाश्ता वाश्ता करने के बाद और घर का काम निपटाने के बाद ना मैंने कहा चलो चूल्हा ठीक होने दे आती हूँ, अभी 2-3 घंटे में वो मुझे शाम तक ठीक करके दे देगा। तो बस यहाँ चूल्हे को मैं चादर में बांध रही हूँ और इसको लेके जाऊँगी इसके मैकेनिक के पास, क्योंकि अगर चूल्हा ठीक नहीं है ना तो गाइस तो आपका किचन भी ठीक नहीं रहता, ये बात आप लोग मानते होंगे और हर हाउस वाइफ है ना वो इस बात को समझती होगी। तो बस लेके जाऊँगी इसको ताकि वो मुझे शाम तक ठीक करके दे दे। शाम को सिलेंडर पे चल रहा गाइस, चूल्हा देने के बाद मैं वापस जा रही हूँ अपने घर, और अब शाम को मुझे आना है, उन्होंने 6-7 बजे का टाइम बोला है, तो मैं 6 बजे जो है वापस आके ले जाऊँगी चूल्हा। इसके नॉब वगैरह साफ करें बोल के मैम कहो तो चेक भी करा दूँ, ये देखो सब साफ करके। और पीछे दिखाना, पीछे से उधर से वो साफ करें जहाँ पे गैस का पाइप जा रहा था, वो चीज़ साफ करूँ होते हैं मैं, एक चिकनाहट सा भी साफ हो गया। अच्छा, जला के दिखा दो इसको एक बार, इतना गंद पाइप जा रहा है। अरे पिछली बार उन भैया ने बहुत अच्छे से पूरा साफ करके दिया था एकदम चूल्हा ना, टाइम होता तो कर देते हैं। टाइम उनको तो मैं शाम को दे गई थी, यहाँ तो मैंने कितने बजे दोपहर में पहुँचा दिया था चूल्हा। पैसे भी 500 रुपये लेते हैं सर्विस के, खाली बुलाए के लिए भैया 200 रुपये में बढ़िया करके दिया था उन्होंने, मैंने आपको दोपहर में भी बताया था। वो चीज़ में हम चूल्हे को बढ़िया से करके दिए अपना काम दे, बुलाए करके नहीं तो ये थोड़े टाइम सही चलता है, 2-4 महीने उसके बाद फिर धीरे धीरे क्यों हो जाता है? 2-4 महीने में नहीं होगा कुछ भी जी मैम, मतलब 5-6 महीने मतलब दोबारा कराना ही पड़ता है मुझे, साल भर से पहले नहीं कराना। तो गाइस चूल्हा मैंने ले लिया है और हम चलेंगे घर, और यहाँ पे मुझे 7 बज गए थे चूल्हा लेने के लिए, मैं 6:30 बजे करीब निकल गई थी क्योंकि शॉप ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं 6:30 बजे निकल गई थी और वापस आ रही हूँ। अब घर जाना है और फटाफट से खाना बनाना है क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। और चूल्हा ले जाते हुए गाइस मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ऐसा लगता है जैसे ऐसा लग रहा था जैसे ना कोई माँ अपने बच्चे को लेके जाती है स्कूल से घर, तो वो कितनी खुश होती है कि वो मेरा बच्चा वापस आ गया, तो मुझे भी ऐसी खुशी हो रही थी। तो जी मैं अपने घर के पास आ गई हूँ सीढ़ियों पर, और चूल्हा मैं रख दूँगी नीचे और ताला खोलूँगी, उसके बाद मैं घर के अंदर जाऊँगी। तो जी बस लॉक खोलूँगी और चूल्हे को अंदर ले जाके किचन में सेट करूँगी। तो देखिए किचन पहले कैसा खाली खाली सा लग रहा था, और चूल्हा आते ही ना किचन की रौनक एकदम बढ़ गई है।
तो बस अब मैं चूल्हे को साफ़ करूँगी और इसको सेट करूँगी, जो गैस का पाइप है ना वो इसमें कनेक्ट करूँगी। बस सारे काम ना खुद ही मुझे अकेले मैनेज करने होते हैं, जिसकी वजह से ना मैं कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं यार ये मेरा ही काम है और मुझे ही करना है, क्योंकि कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। बच्चे अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं, दोनों बिजी हैं अपनी अपनी पढ़ाइयों में, अपने अपने कामों में, और पूरा सब कुछ मुझे ही मैनेज करना होता है, तो ये मेरी ही जिम्मेदारी ऑफ कोर्स मैं ही करूँगी। तो अपने आप को मैं किसी तरीके से हिम्मत देके फिर से खड़ा कर लेती हूँ कि नहीं जी आपका काम है, आप ही को करना है। तो यहाँ मेरे चूल्हे का जो पाइप है वो मैंने सेट कर दिया है, और मुझसे एक गड़बड़ हो गई है, वो गड़बड़ मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में, और जिन्होंने नहीं किया उनको मैं आगे खुद ही बता दूँगी कि मुझसे क्या गड़बड़ हुई है। तो यहाँ मैं चूल्हे को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि वैसे तो साफ़ है चूल्हा बट फिर भी धूल मिट्टी हो जाती है ना, दुकान वालों के पास रख दो अगर ठीक करने के लिए, तो बस उसको मैं साफ़ करके और खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो देखा ना किचन पहले कैसे सूना सूना सा लग रहा था, और अब चूल्हा रखते ही किचन की कैसे एकदम रौनक वापस आ गई है। तो यार मैं तो अपने चूल्हे से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोगों में से कौन कौन अपने चूल्हे से बहुत प्यार करता है प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं गैस जला रही हूँ, बट मुझे इतना ध्यान नहीं है कि मैंने अभी तक रेगुलेटर ऑन नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं ना गैस का रेगुलेटर ऑन कर लूँगी चूल्हे का, और उसके बाद में गैस जला के चेक करूँगी। हालाँकि भैया ने चेक करके दिया था बट फिर भी घर पर ला के चेक करना ज़रूरी है ना रेगुलेटर अपना लगा के। तो देखिए एकदम फराटेदार मेरा चूल्हा जल रहा है, और मेरा दिल इस टाइम इतना खुश हो रहा था ना, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। क्योंकि यार चूल्हा सही रहता ना तो किचन के आधे काम मतलब बिल्कुल आसानी से निपट जाते हैं। तो जी चूल्हा चेक करने के बाद मैंने अभी भी ध्यान नहीं दिया कि कुछ मिसिंग है, तो वो क्या मिसिंग है वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सिंपल से दाल, पनीर की भुर्जी और चावल, ठीक है, लंगर वाली दाल बना रही हूँ। इसकी रेसिपी ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। चने की दाल और उड़द की दाल मिला के बनती है, बहुत टेस्टी बनती है गाइस, आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्या था, हाँ साथ ही बनाऊंगी पनीर की भुर्जी। तो यहाँ मैं फटाफट से दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये दाल मैंने ग्रोफर से मंगाई थी, आप लोगों के साथ मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। सुबह सुबह ही आ गए थे भैया डिलीवरी देने के लिए 7 बजे, आँखें मींचते हुए मैंने दरवाज़ा खोला जी, ग्रोफर्स वाले भैया सामने खड़े हुए थे। तो यहाँ मैंने दाल डाल दी है कुकर में, और अब मैं दाल को वॉश कर लूँगी, क्योंकि दाल को अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि दालों में केमिकल ज़्यादा लगा हुआ होता है। और दाल वॉश करते करते ना मुझसे क्या गड़बड़ हुई है वो मुझे ध्यान आया है, तो मैं दाल को वॉश करके ही, मैंने वॉश करके ही छोड़ दिया, मैं वापस गई हूँ भाग के। वापस इसलिए भाग के गई हूँ क्योंकि जो गैस वाले भैया थे ना उन्होंने मुझे स्टैंड देना भूल गए थे चूल्हे का, तो फिर मैं वो लेकर आई हूँ, और मैं भी ले आई, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि जल्दी में थी, खाना वाना बनाना था और भी चीज़ें थी। तो फटाफट मैं दोबारा गई हूँ और दोबारा स्टैंड लेकर आई हूँ रिक्शा से आई, आने जाने में 20-22 मिनट लग गए, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी मतलब लेट हो गया था। तो फिर भी मैंने कहा चलो फटाफट जल्दी से खाना बनाऊं, क्योंकि बच्चे ऑलमोस्ट घर पे ही, मतलब बेटा तो आ गया था, बेटी भी आने ही वाली थी, तो उनको आते ही खाना चाहिए होता है। तो यहाँ मैं बस फटाफट उसी खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोगों का क्या रूटीन होता है इवनिंग का, आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना गाइस, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और आप लोगों को ब्लॉग्स अगर अच्छे लगते हैं ना तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया करो। तो यहाँ पे ना मैं डालूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये लहसुन अदरक की पेस्ट की रेसिपी ना मेरे चैनल पे अपलोडेड है, एक बार आप बना के ना इसको महीनों तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता ना इसका कलर, ना इसका टेस्ट, और ना ही इसकी फ्रेग्रेंस, तो काफ़ी महीनों तक आराम से चल जाता है। और अगर गाइस लहसुन अदरक का पेस्ट बना रखा रहता है ना तो आधा काम जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है खाना वाना बनाने का, क्योंकि लहसुन अदरक छीलो फिर पीसो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है, अगर आपका पेस्ट बना रखा है ना तो आपको काफ़ी इजी हो जाता है खाना बनाने के लिए। तो ये रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा, एक बार बना के रख दो और महीनों तक आराम से स्टोर कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेक कर लेना। और ये है जी पनीर, इसकी मैं बनाऊँगी भुर्जी, आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा चूल्हा आ गया घर पे और आप लोगों को मेरे चेहरे पे खुशी दिख रही होगी। इतनी खुशी के दस्ता ही लग गया। सॉरी, हालांकि मेरी आँख अभी भी ठीक नहीं हुई है, ये फूट गया है दाना जो हुआ था ये फूट गया है, तो मैं इससे भी, ये फूटने से भी ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मेरा चूल्हा ठीक हो गया, आ गया, मेरा खाना थोड़ा फटाफट बन जाएगा। और एक गड़बड़ और हो गई थी, आप कहोगे तू घर गड़बड़ों की देवी है, वो है सच में, लेकिन क्या करूँ यार इतनी चीज़ें होती ना मेरे ऊपर करने के लिए, सुबह से शाम तक मतलब पूरे महीने के महीने इतनी चीज़ें होती ना करने के लिए, मैं पागल ही हो जाती हूँ। क्योंकि
आप लोगों को पता है अकेले सब कुछ मैनेज करना होता है, और आप लोगों को दिख रहा है पीछे मतलब बच्चे भी कोई नहीं है, सब अपने अपने काम से चले जाते हैं, तो अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो जो ये गैस के जो चूल्हे के जो स्टैंड थे ना, वो मैं लाना भूल गई थी, वो देना भूल गया भैया और मैं लाना भूल गई। तो अभी उस चक्कर में मुझे ना दोबारा जाना पड़ा, रिक्शा करके मैं दोबारा गई हूँ, और दोबारा मैं ये जो बर्नर के स्टैंड है ना चूल्हे के, वो मैं लेकर आई हूँ। फिर मैंने दाल पकने रखी है, और एक साइड में बनाऊंगी पनीर की भुर्जी, और मैं बनाऊंगी साथ में चावल। तो ये जो दाल है ना, लंगर वाली दाल बना रही हूँ, चने उड़द की जो बनती है लंगर वाली, बहुत टेस्टी बनती है। इस रेसिपी का डिटेल्ड रेसिपी नहीं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि इस दाल की रेसिपी का लिंक ना मेरे कुकिंग चैनल पर अपलोडेड है, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप लोगों में से जिनको भी लंगर वाली दाल बहुत पसंद है मेरी तरह, क्योंकि मुझे भी दाल बहुत पसंद है, तो आप लोगों में से जिनको भी पसंद है ना, वो लिंक जल्दी से चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बहुत टेस्टी दाल बनती है गाइज, और लंगर वाली दाल तो खैर मतलब सभी को पसंद आती है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, अपने व्यूज़ मेरे से ज़रूर शेयर करना, ठीक है गाइज। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, जी हाँ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया करो, ठीक है गाइज। चलो आगे का काम निपटाते हैं, आप लोग मेरे साथ ही हो ना, चलो आगे का काम निपटाते हैं। तो गाइज दाल मेरी पक चुकी है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं पनीर की भुर्जी, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और बस ये खाना बनाते बनाते ना मेरे फ़ोन ने मुझे धोखा दे दिया था, फ़ोन की स्टोरेज एकदम फुल हो गई थी, और इसके आगे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो इसके आगे का जो भी होगा वो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, मेरे खाना मतलब फाइनल लुक जो है, लेकिन ठीक है नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी, और नेक्स्ट टाइम कभी हुआ तो पनीर भुर्जी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज एकदम फुल हो गई थी, एक छोटी सी क्लिप भी मेरा फ़ोन अलाउ नहीं कर रहा था शूट करने के लिए। फालतू की जो भी वीडियोज़ वगैरह है ना जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनको मैं डिलीट करूँगी, उसके बाद आगे का काम करूँगी। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो रात को मेरा जो मैं कुकिंग का शूट कर रही थी वो आधा ही रह गया, क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज एकदम फुल हो गई थी, एक भी वीडियोस में शूट ही नहीं हो पा रही थी, वो बार बार एरर दिखा रहा था, इस वजह से मैंने वो चीज़ वहीं पे छोड़ दी। और रात को मैंने पूरा अपना फ़ोन जो है वो सारी जो भी बेकार की चीज़ें थी वो सब, बेकार तो कुछ नहीं होता, बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं जो शूट करके रखी हुई होती हैं, तो उसमें से कुछ जो मैं अपलोड कर चुकी थी वो चीज़ें मैंने डिलीट करी और फ़ोन में थोड़ी स्टोरेज बनाई। तो लेकिन रात का जो शूट करना था वो तो वहीं अधूरा रह गया, तो इस वजह से मैं वो चीज़ पूरी शूट नहीं कर पाई। आई होप आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आँख पहले से काफ़ी ठीक हो रही है, बट अभी भी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग देख सकते हैं, पास से दिखाती हूँ, देखिए दर्द तो इसमें अभी भी काफ़ी, और ऐसे है ना ऐसे जैसे कुछ चुभ रहा है अंदर, ऐसा होता रहता है। तो हो जाएगा ये भी ठीक धीरे धीरे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइज, और ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं, क्योंकि ना सब कुछ अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हर काम आपको अपने दम पर खुद ही करना चाहिए, क्योंकि जितना आप खुद से काम करते रहेंगे ना, खुद से अपने शरीर को बिज़ी रखेंगे, खुद में बिज़ी रहेंगे, तो उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो दूसरों पर डिपेंडेंट होना छोड़ दीजिए, अपने काम खुद कीजिए जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी आप लोगों से।